यहाँ पे आपने बता दिया सारा कि इंटर्नशिप में ऐसा ऐसा हुआ था और इतना मतलब इतना अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके थे सारे और किस तरह के क्वेश्चंस थे उसके अंदर। तो अब हम लोग मूव करते हैं गूगल और प्लेसमेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ। जो DA 0 था आपका और उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। एंड गाइज इसके अंदर से हम लोग ये डिस्कस करेंगे अंशुल के क्या एक्सपीरियंस थे, क्या लर्निंग्स थी। इफ़ यू वॉन्टेड टू नो की होल प्रोसेस की कैसा होता है, कितने राउंड होते हैं और उससे पहले क्या होता है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। इन दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट की 2021 के एक प्लेसमेंट वीडियो की बात है कि कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ था। तो हेलो अंशुल, ओवर टू यू। तो जैसा कि आपने बताया, मतलब DA 0 था, IIIT में गूगल पहली कंपनी थी जो आ रही थी प्लेसमेंट के लिए। और मतलब 12 बजे सुबह से इंटरव्यू शुरू हुए थे मेरे। 3 राउंड थे, 4:30 बजे के अराउंड लगभग, मतलब तब तक इंटरव्यू चले थे कंसिक्यूटिवली। तो पहले राउंड में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मैंने मतलब जो पहला अप्रोच था वो मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग बताया था उसका। तो मतलब इंटरव्यूअर उतना कन्विंस नहीं था, बिकॉज ही ऑब्वियसली न्यू दैट दिस वॉज रॉन्ग। वो हिंट भी दे रहे थे, मतलब आर यू श्योर, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना मतलब जो फ्लो है वो तोड़ के, मतलब जो सही अप्रोच है उसके तरफ जाऊं। लेकिन वो आई डेंट डू दैट। मतलब मुझे ये जाके जब रियलाइज हुआ, जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था अपना एल्गोरिथम, तब मैं एक ड्राई रन कर रहा था टेस्ट केस का और वो फेल हो रहा था वो पर्टिकुलर टेस्ट केस। फिर मतलब मैंने ओन अप किया कि दैट वॉज माई मिस्टेक, मतलब DP नहीं चलेगा इसमें और ना ही ग्रीडी चलेगा, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं चलने वाला है। तो आप मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए टू लाइक थिंक ऑफ द करेक्ट अप्रोच। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो गलती हो सकती है, तो उसमें हड़बड़ाने के बजाय हम अगर ओन अप करें हमारी मिस्टेक को और उसको सुधारे, तो मतलब इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन एज वेल। ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट कि मतलब आप गलती करो ही ना, लेकिन अगर करो तो यू शुड ओन दैट अप और उसको करेक्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने करेक्ट किया, वो BFS के बेस पे था, तो मैंने उनको बताया कि ये BFS मतलब इस पे लग सकता है, और फिर पूरा कोड किया। सो इट वेंट गुड, इट वॉज गुड। दैट वॉज द लाइक मतलब उसमें सबसे अच्छा फीडबैक मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला था। फिर सेकेंड राउंड पे आते हैं, तो उसमें एक हीप बेस्ड क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन काफी इजी था, मतलब वेरी वेरी इजी, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसका बिल्डअप फॉलो अप क्वेश्चन था। तो वो मतलब उसमें मेरे को करेक्ट एल्गोरिदम या करेक्ट अप्रोच लगाने में काफी टाइम लगा था, मतलब 20-25 मिनट हो गए थे। फिर इंटरव्यूअर कहते हैं कि मतलब यू शुड कोड समथिंग, क्योंकि कोड हायरिंग कमेटी पे इवेल्यूएशन के लिए जाता है, हायरिंग कमेटी के पास। तो अगर कोड ही नहीं होगा, इवन इफ यू हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम करेक्टली, तो मतलब इट्स ऑफ नो गुड यूज। तो आई वॉज लाइक, मतलब आई वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड विथ वॉट आई वॉज प्रपोजिंग। तो मैंने उनको बोला कि मतलब थोड़ा सा और टाइम मुझे दे दीजिए, मैं एक बार मतलब खुद कॉन्फिडेंट फील करूँ तो मैं अच्छे से कोड कर पाऊंगा, वरना मतलब कोड भी नहीं कर पाऊंगा। सो लाइक 30 मिनट्स हो गए थे, तब मैंने जाके मतलब करेक्ट अप्रोच दिया एंड ही वॉज ऑल्सो कन्विंस। मतलब वो तो बोल ही रहे थे कोड कर लो, फिर मतलब आई फेल्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ मतलब कोड कर सकता हूँ अब। तो 15 मिनट बचे थे मेरे पास कोड करने के लिए, तो जल्दी जल्दी कोड करने में हड़बड़ी में मतलब गलतियां हो रही थी। तो दिमाग में मैंने एक टेस्ट केस रखा था, जो मतलब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, इफ कंडीशन है, लूप है, कुछ भी है, तो मैं उस पर ट्राई रन करके देख लेता हूँ कोड सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ गलतियां तो मुझे खुद रियलाइज हुई थी कि मतलब ये एज केस मिस हो रहा है। कुछ कुछ मतलब मुझे इंटरव्यूअर बता रहे थे कि मतलब ये कंडीशन पे ये वाला एज केस मिस हो सकता है। तो उसमें मतलब आप कितने रिएक्टिव हो इंटरव्यूअर जो हिंट दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने में, और आपकी डीबगिंग स्किल्स कितनी अच्छी है व्हेन यू आर कोडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द लेसन फ्रॉम माई सेकेंड राउंड। और अब आते हैं आखिरी राउंड पे, जो मतलब काफी अलग तरीके का राउंड था। मतलब ऐसा मैंने राउंड कभी दिया नहीं था, क्योंकि मतलब 20 मिनट थे, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों को सॉल्व भी कर लिया था और दोनों को कोड भी कर लिया था। सो इंटरव्यूअर वाज आल्सो सेटिस्फाइड, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली पहले दो राउंड के फीडबैक देखे थे। सो ही आस्क्ड लाइक ही न्यू कि मतलब इस बंदे को मतलब आता है DP वगैरह सब आता है, मतलब जो भी सॉल्व किया था उसके बेसिस पे। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन टुगेदर, मतलब मुझे भी इसका पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं पता, ही नोज द अप्रोच, बट ही वॉन्टेड टू नो कि मतलब हाउ गुड आई एम एज अ टीम प्लेयर, क्योंकि एट द एंड मतलब यू नीड टू वर्क एट अ कंपनी लाइक गूगल। सो टीम में आप दूसरे के साथ कोलेबरेटिव एफर्ट कैसे करते हो, हाउ डू यू एक्सेप्ट द सजेशन, हाउ डू यू गिव द सजेशन। सो वो सारी प्रोसेस मतलब काफी अच्छा रहा था। मतलब मैं कुछ बता रहा था, वो बता रहे थे कि ये नहीं चलेगा, वो कुछ बता रहे थे, मैं बता रहा था कि ये नहीं चल सकता है। सो इट वॉज अ टू वे इंटरव्यू, मतलब कंप्लीटली उसमें कि ये दोनों बात कर रहे हैं लाइक दोस्त की तरह, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो वो काफी मतलब एक अच्छा सा फीलिंग आ रही थी मेरे को कि मतलब चलो फोड़ा ना फोड़ा वो अलग बात थी, बट आई फेल्ट गुड गिविंग दैट इंटरव्यू। सो वो काफी इंपॉर्टेंट है दैट यू फील गुड थ्रू आउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप टायरिंग फील कर रहे हो इंटरव्यू देने के बाद, मतलब अच्छा दिया है फिर भी। सो फील गुड, पानी पीते रहो, हैव डीप ब्रेथ्स अगर कुछ गलत जा रहा है, एंड एवरीथिंग विल गो वेल, जस्ट गो विद दैट पॉजिटिव अप्रोच। ओके
To know more about this video, link is in the description.